देखो भाई, अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस होता है CH2 और CH3। ठीक है, जो कैंसर प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, एनजी क्या होगा सेंटर है और एनजी में ज्यादातर क्या होते हैं ब्यूटाइल ग्रुप होते हैं और उस रिंग को हम बोलते हैं पॉरफायरिन रिंग। और पॉरफायरिन रिंग के बाद उसमें बड़ी सी रिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं पायरोन रिंग। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर बना सीनियर से तमिल तो सीख भी सकते हैं, बिल्कुल नहीं।
यहाँ टोटल होते हैं 20। CH2 उसके बाद ये डबल बॉन्ड है। ये टोटल इसी तरीके से चलती रहेगी लास्ट और फाइनल, है ना। देखो इसको ऐसे बनाना है, ये रिंग में दिक्कत होती है। देखो बनाना कैसे, एन जी बनाया, एन जी से चारों तरफ नाइट्रोजन निकाल, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें यहां से ये ऐसे बनाया, पहले ये फोर कंप्लीट करो इस तरीके, हो गए। अब उसके बाद ये साइड से यहां से ये रिंग ऐसे है, ये यहां से ऐसे तिरछी निकाल दो ऐसे, ठीक। ऐसे यहां पर भी करो, इतना कंप्लीट हुआ। इतना कंप्लीट होने के बाद ये वाला जो पोर्शन है यहां पे एक रिंग और आ जाएगी, इसमें डबल बॉन्ड हुआ है, इतना फिक्स कर बस, बाकी सबको एज इट इज रखो, तब ये भी बात कंप्लीट। ये जो टेबल है ना, ये आगे की लाइन को कंप्लीट कर रहे
केवल एक ही काम कर रहे हैं, CH3 इधर है, वो क्या कर रहे हैं, CHO, इससे क्या पता चलेगा कि हमें क्लोरोफिल ए और ए बनाना है, हम फिर ए की जगह क्या करें, क्लोरोफिल बी, अगर यहाँ पे CH3 ना हो करके क्या हो, CHO, और फिर उसके बाद रिंग तो ऐसे दिख रही है ना, तो ब्रेक अप कर रहा है क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल ही है बेटा, ए थोड़ा बहुत है, क्लोरोफिल ए सब में मिलेगा, ठीक है, चाहे वो एल्गी हो, जो भी प्लांट हो, कुछ भी हो सब में मिलेगा, क्या क्लोरोफिल बी वो कंडीशन बढ़ेगा उसकी, होता ही है लेकिन कई जगह नहीं भी होता. क्लोरोफिल ए की बात करें तो ई की बात करें तो जेंटोफाइस में ही होता है, ठीक है, होता है कि एल्गी की प्राप्त होगी, ठीक, तो कुछ इस तरीके से अलग अलग. अब फियोफाइट की क्या बात करें तो फियोफाइट में वगैरह में ज्यादातर काम करेंगे एल्गी में, ठीक है, राइजोफाइट वगैरह में उनमें मिलते दूसरी एल्गी को, ठीक है, जैसे साइनोफाइट या वगैरह जो उधर मिलते, तो क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी. अब इसमें पॉइंट डायग्राम देखिए, अच्छा चेन के नाम है इसमें ए बी सी डी एस, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, चार नहीं. अभी तो एक हो गया फाइटोल रिंग और दूसरा हो गया पोरफायरिन रिंग. अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में कुछ नहीं है, उसमें एक इधर ये बॉन्ड हट जाता है, यहाँ CH3 और एक हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर वो बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक, थोड़ा सा ही दिख रहा है, ये जो भी कुछ हो रहा है वो सेकेंड रिंग में हो रहा है, अगर सेकेंड रिंग में लिख के ये भी ग्रो होता है, सेकेंड रिंग क्या कहते हैं, अगर उसमें से कितना CH3 है तो वो क्लोरोफिल ए है, ऐसे रूम डाल के अलग से लिखिए, ठीक है, सेकेंड रिंग में क्या होगा, ए बी ऐसे भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है, अगर CH3 है तो वो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए, अगर हो जाएगा क्लोरोफिल बी, और अगर CH3 की तरफ एच है ये पोजीशन है तो वो हो जाएगा बैक्टीरियल क्लोरोफिल, यानी कि इसकी कंडीशन ऐसे हो कि रिंग में कार्बन से एक तरफ CH3 कनेक्टेड हो और एक तरफ, तो फिर उसे बैक्टीरिया कहेंगे, ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी, कहाँ मिलेगा क्लोरोफिल, पहले मेम्ब्रेन, ये देखो
तब अलग एफिशिएंसी है, लेकिन अगली बार जब प्लांट को ब्लू एंड रेड अल्टरनेट का मतलब एक बार ब्लू किया फिर रेड किया फिर ब्लू किया फिर रेड किया, तो पता चला कि इसकी जो एफिशिएंसी थी, ये कंडीशन ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी, तो सी की जो कंडीशन थी वो ए और बी दोनों कंडीशन में जो एफिशिएंसी थी वो का पता चला, लेकिन जब रेड को ब्लू लाइट दी तो ठीक ठाक कंडीशन थी, ब्लू और रेड अल्टरनेट दिए तो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी थी, रेड दी तो फोटोसिंथेसिस कम हो गई, जब फोटोसिंथेसिस कम हो रही है तो रेड क्या हो गया ड्रॉप हो गया, तो इसे रेड ड्रॉप हो गया, ठीक है आर नॉन में लिया आर नॉन ठीक नाम है एवरीवन। क्लोरोफिल ए से इसका क्या कैसे रिलेशन है, अगर हम इसको देखें तो ग्राफिकल कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो पता चलता है कि एक क्लोरोफिल ए है जिसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, अगर यहाँ बात करें तो इधर लिखिए एब्जॉर्प्शन, और लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद दूसरा आ गया वेवलेंथ, तो जब क्लोरोफिल ए में देखा गया तो कंडीशन कुछ इस तरीके से, यानी बहुत तेज और ठीक, फिर धीरे 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 क्लोरोफिल ए की कंडीशन क्या देखो, यहाँ है लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन का मतलब इस पोजीशन पर ली, यहाँ तो क्या थी वेवलेंथ बढ़ती हुई दिखाई थी और यहाँ क्या था क्लोरोफिल दिखाया गया, तो क्लोरोफिल ए ने वेवलेंथ जो थी वो सबसे ज्यादा यूज की उस हिसाब से ये ग्राफ, लेकिन दूसरा जो आप डॉटेड लाइन देख लो वो है क्लोरोफिल बी, ठीक है इसमें कम इफेक्ट, तब पता चला कि मेन कौन है इनमें क्लोरोफिल ए, इनको ज्यादा बड़ा क्या वो ड्रॉप है वो ड्रॉप ऐसा नहीं होता है, क्लोरोफिल ए की ज्यादा एफिशिएंसी होती है इसमें, तो दे ऐसा नहीं होता है, एक ही एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ये बिल्कुल ही ड्रॉप कर देता है इस टाइम पे, देखो ऐसे समझो इस चीज को, ये 400 एनएम की और लास्ट टाइम फाइनली ये 600 से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और अगर आप ये कह रहे हो कि क्लोरोफिल ए ये है और बी ये है, ऐसा नहीं है भाई, देखो ए की एफिशिएंसी ज्यादा है वो अब्सॉर्बेंट है सब में मिल रहा है, ठीक है, बी लाइट अब्सॉर्ब करेगा लेकिन लाइट अब्सॉर्ब होने के बाद वो किसको देगा ए को देगा और ए फिर काम करेगा, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी वो तो ए के लिए रहेगी ना, वो नहीं होता तो काम ही नहीं होता, बी की दिशा में ही तो पूरा फोटोसिंथेसिस काम करवा सके, क्योंकि लाइट के इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करने के बाद क्या होती है जो भी पिगमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करता है,
उसके बाद इलेक्ट्रॉन सोलर सिस्टम में चलते हैं। ये बात सही है, इसलिए यही है, लेकिन इसको 100% सही नहीं मान सकते। आगे इसमें लिखिए, हाँ ये डायग्राम बना लिया, बना लिया। हाँ ये पूरा बना है, जो भी लिया है। और क्या इम्यूनिटी इज परफेक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। रेड लाइट में देखने जा तो भी ब्लू रेड रेड बॉक्स पर गया था नहीं, स्टार्टिंग में ग्राम के साथ तो रेड किया था। अच्छा बेबी की पूछ लो क्या फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी, बेबी बेबी को रेड की ज्यादा होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ब्लू की ज्यादा होती है। ज्यादा नहीं ग्राम 6 देखो फ्रीक्वेंसी होती है ब्लू की ज्यादा और वेवलेंथ होती है रेड की ज्यादा, तो वेवलेंथ ऊपर थोड़ी जाएगी, वेवलेंथ तो आगे ज्यादा जाएगी क्योंकि वेवलेंथ एक्स एक्सिस पर है, वेवलेंथ एक्स एक्सिस पर है ना, तो जो चीज ज्यादा जा रही है वो एक्स पर आगे बढ़ेगी। अगर ऊपर बात करो तो वो तो लाइट एब्जॉर्प्शन है, यानी कि उधर तो क्लोरोफिल लिखा हुआ है, तो क्लोरोफिल ए जो ज्यादा खींचेगा वो ऊपर जाएगा, तो ज़्यादा ये देखो ना एक्स एक्सिस पर किसकी पार्टिंग और बी पर किसकी पार्टिंग। ये y एक्सिस पर है वो वर्टिकली बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है, और ये x एक्सिस पर है वो हॉरिजॉन्टल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रीन लाइट डालने से सोलर की होती ग्रीन लाइट डालते ही उसको डिफ्रेक्ट कर देंगे तो बाहर आ जाए भाई, पूरी लाइट है ग्रीन तो आ रही है, नेचर में तो सब के सब कलर आ रहे हैं, लेकिन वो इम्प्योर मैसेज भी सिर्फ इसको और इसको ही क्यों ले रही है, ये भी कलर भी तो आ रहा है सेलेक्टेड थोड़ी आ रहा है, कलर तो सारे गए थे ना, लेकिन वो इनको अंदर भी नहीं करे क्योंकि डोनर तो अपना काम कर रहा है लेकिन रिसीवर के पास कैपेसिटी होगी तभी तो कंटिन्यू करेगा, सीधी बात है ना। हाँ अगर आप ये नहीं करना है तो आपको कुछ
सिटी वाले ना तो बीच में मना कर रखा है ये चीज नहीं कि वाले टाइमिंग को ना ग्रीन है येलो ना वाले क्योंकि उसके पास है येलो वाले उसके पास जेंट्स को भी कॉम है अब आप बोलोगे तो क्या करेंगे वो ग्रुप्स में है ना बोले ये तभी तो वापस गए थे तभी तो ग्रुप राइड होगा नहीं होगा तो राइड होगा बीच क्यों अल्टर करें क्योंकि उसके पास इन्हीं को एक्सेप्ट करने की गलती है बाकी को एक्सेप्ट करने की गलती नहीं है ठीक है क्लोरोफिल खुद ही ग्रीन है तो ग्रीन लेके क्या करेगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है हम भी क्यों ले आप यहां से सही में से बढ़िया नहीं होगी फर्स्ट ईयर में तो ज्यादा पसंद नहीं करोगे क्यों तो उनका ज्ञान तो आपके पास ऑलरेडी है जो चीज है उसे ठीक है तो ये स्लाइड हम एक बार और देख लेंगे ठीक है ये भी कहा है ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी बात बात करेगी तो लग हाँ सबसे ज्यादा प्रोटोन सिंथेसिस सी की मिली थी ना ए और बी में जितनी मिली उसको ऐड करके देगा ए सिचुएशन ये क्या ब्रेड दिया बी सिचुएशन जब ब्लू दिया है ना तो ब्लू अलग दिया रेड अलग दिया तब जितना भी वैल्यू आई उन दोनों को ऐड करने के बाद देगा इसकी वैल्यू इन दोनों के एडिशन से ठीक है और ब्लू और रेड कैसे दिए गए थे आंसर ठीक है एक बार ब्लू दिया फिर रेड दिया तो वो आर नॉट इफेक्ट था पता चला रेड ड्रॉप इफेक्ट होते तब पता चला कि भाई वो क्या रेड ड्रॉप कौन से इफेक्ट होते तो तब पता चला कि ब्लड जो राइट है जो कर रहे हैं ब्लू और रेड दोनों को ऐड करके ठीक है सारी करी को